मेरठ जोन के एडीजी राजीव सभ्रवाल ने आज बुलंदशहर जनपद के खुर्जा देहात और गुलाबी थाने का आकस्मिक निरीक्षण कर एसआई स्तर पर टॉप 10 लेवल के अपराधी और उनके साथियों की जानकारी की। इसके अलावा निरीक्षण में जो कमियां पाई गई उनको सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। यह है मेरठ जोन के एडीजी राजीव सभ्रवाल, जो खुर्जा देहात थाने में एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। थाने की बिल्डिंग, थाने परिसर में स्थित आवासीय बिल्डिंग व सीसीटीएनएस का रखरखाव व टॉप 10 थाने के अपराधियों और उनके साथियों से जुड़ी व अन्य अपराध से जुड़ी बारीकियों का उन्होंने निरीक्षण किया। देखिए, इस समय मैंने अभी तक थाना गुलावटी का और यहाँ पे थाना खुर्जा देहात का आकस्मिक निरीक्षण किया। यहाँ पे जो हमारे टॉप 10 अपराधी हैं, जो हमारी आज की डेट में प्रायोरिटी है, तो हर थाना स्तर पे बनाया गया और जनपद के स्तर पे बनाया गया। तो जनपद स्तर की समीक्षा तो अभी मैं पुलिस लाइन में मीटिंग है सारे कस्टडी ऑफिसर की, उनके साथ करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो इनकी लिस्ट बनाई है उसमें जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं, जो उनके हल्के के ऐसे अपराधी जो टॉप 10 की सूची में शामिल हैं थाने की, उनकी जानकारी कितनी है, कितना उनके साथियों के बारे में जानकारी, इस सब की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त जो सीसीटीएनएस यहाँ पर चल रहा है उसके अंदर किस तरह से डेटा फीड हो रहा है और उसको कैसे ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, इसकी भी समीक्षा की गई। साथ ही थाने की जो बिल्डिंग है और थाने में जो हमारे कर्मचारियों के रहने का है और अन्य व्यवस्थाएं, उसकी भी मैंने निरीक्षण किया। तो कमोपेश कई चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की गुंजाइश है, तो जिसके लिए हम पूरा थाने स्तर पर पूरी मेहनत की जाएगी। और लेकिन मैंने ये देखा कि कर्मचारियों का ज्ञान अच्छा है, उनको जानकारी है अपने काम के बारे में, केवल कुछ डॉक्यूमेंटेशन को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। साथ ही सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर स्तर पर अपराधियों के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि उन्हें अपने क्षेत्र के अपराधियों के बारे में जानकारी है। एडीजी इंस्पेक्शन के बाद जानकारी दी। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ इफ़ा खान, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।